सानेहा मरी पर 5 रुकनी इंक्वायरी कमेटी की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार, सानेहा इंतजामिया की गफलत का नतीजा करार। 30 से जायद अफसरान के बयानात कलम बंद, तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक मरी जाने वाले रास्ते 2 दिन ताखिर से बंद किए गए। महकमा मौसमियात की वार्निंग को भी मुसलसल नजरअंदाज किया गया। बर्फ हटाने वाली मशीनरी बनाए हुए प्वाइंट पर मौजूद नहीं थी, मुतअद्दिद पैगामात के बावजूद मशीनरी बर वक्त नहीं भेजी गई। ज़राए के मुताबिक महकमा जंगलात के मुलाजमीन ने भी मुतालिका नंबर्स बंद कर दिए थे। तहकीकाती रिपोर्ट कल वज़ीरे आला पंजाब उस्मान बुज़दार को पेश की जाएगी। सयाहों के लिए कवायद और जवाबित भी तय कर लिए गए। मलका कोहसार में सयाहों की 8,000 गाड़ियां ही दाखिल हो सकेंगी। बर्फबारी में ना जाता, 2 दिन वहां ना रहता तो ये 23 बजाय 30 आदमी मर जाते। कोई चीज अपनी जगह पर नहीं थी। अगर मरी ना जाता तो वहां 23 की जगह 30-40 हलाकते हो जाती। वजीर दाखिला शेख रशीद का दावा, महंगाई का मसला अप्रैल मई में हल होने की पेशगोई भी कर दी। बोले, फोन कॉल पर फाइनेंस बिल पास करने की बातें करने वाले अंधी मछलियों की तरह इन हाउस तब्दीलियों के ख्वाब देख रहे हैं। सियासतदान अपनी बात अपने असूल के साथ जीता और मरता है। फोन कॉल क्या चीज है, ऐसी बातें करने वाले शांगा मांगा की पैदावार है। सियासी पार्टियों में इख्तलाफात होते हैं, ये हल्की भुल्की मौसीकी है, कोई पक्का राग नहीं है। डील मांग रही है मरियम साहबा, शहबाज शरीफ साहब, हमजा साहब और नवाज शरीफ साहब, इनको जो है वो बाहर रहने दिया जाए, ये डील मांगने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर सामने इमरान खान खड़ा है, हम तो आपको एक उबला हुआ आलू भी नहीं देंगे ना छल्ली देंगे, आप तो बर्गर और चिकन पीस मांग रहे हैं। शरीफ फैमिली हुकूमत से 4 लोगों के लिए डील मांग रही है ताकि ये लोग मुल्क से बाहर जा सकें। मावन खुसूसी शहबाज गिल का दावा, कहा जिन लोगों की डील मांगी जा रही है उनमें शहबाज शरीफ, उनका बेटा नवाज शरीफ और उनकी बेटी शामिल हैं। शरीफ फैमिली को डील नहीं मिलेगी, आपके सामने इमरान खान खड़ा है, हम आपको उबला हुआ आलू नहीं देंगे, आप चिकन बर्गर मांग रहे हैं। सिंपल इसलिए है, अखराजात ज्यादा हो, आमदनी कम हो तो महंगाई आपको ज्यादा लगेगी। मैदान भी होगा और घोड़ा भी होगा और हम आपको दिखाएंगे कि इलेक्शन लड़ते कैसे। ये टेन्योर जो है 2023 तक तो हम है ही हैं, अगले 5 साल भी इंशाल्लाह हम कहीं नहीं जा रहे। महंगाई की वजह से इमरान खान की मकबूलियत में कमी का तासुर गलत है। आमदन कम और अखराजात ज्यादा हूँ तो महंगाई ज्यादा लगती है। वजीर इत्तला फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा इलेक्शन आने दे, मैदान भी होगा घोड़ा भी होगा, हम बताएंगे इलेक्शन कैसे लड़े जाते हैं, आइंदा भी तहरीके साफ के ही होंगे। जब जरदारी सदर थे तो IMF की आंखों में आंखें डालकर बात करते थे। सही वक्त पर LNG इंपोर्ट ना करने की वजह से बिजली महंगी हुई, बोझ आवाम पर डाला गया। वजीर आला सिम का कहना है कि हुकूमत IMF की डिक्टेशन पर चल रही है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अहसन इकबाल कहते हैं, हुकूमती नातजर्बाकार पॉलिसी से मुल्क तबाह हो रहा है। इमरान नियाजी IMF से मुल्क का सौदा कर चुकी, तारीख में किसान इतना बदहाल कभी ना हुआ। कोरोना की 5वीं लहर कराची पर भारी पड़ने लगी, केसेस की शरह 40% के करीब पहुंच गई, 95% मरीज ओमिक्रोन से मुतासर। 24 घंटे के दौरान 2,622 केसेस रिपोर्ट, 229 मरीजों की हालत तश्वीशनाक। सीनियर माहिर अमराज इतफाल प्रोफेसर डॉक्टर सलाहुद्दीन शेख भी कोरोना से इंतकाल कर गए। मुल्क में कोरोना से अमवात की तादाद 9 हो गई। महकमा सेहत सिंध का हर जिला के स्कूलों में कोरोना के 100 नमूने इकट्ठे करने का फैसला, टास्क फोर्स को नतीजे से आगाह किया जाएगा।
केसेस की शरह के पेश नजर स्कूल बंद या खुले रखने का फैसला कोरोना टास्क फोर्स करेगी। सूरत हाल पर गौर के लिए सूबाई वज़राए तालीम भी कल सर जोड़कर बैठेंगे। नई पाबंदियों से मुतल्लिक अहम फैसले मुतवक्के। लगाते हैं कभी कभी लगा लेते हैं, कभी फिर रख लेते हैं। कोरोना यार समझ में नहीं आ रहा क्या है, पहली बात तो ये ना, जब गवर्नमेंट कह रही है तो होगी बीमारी। मास्क लगाया तो था लेकिन मास्क पर मैंने उतार दी। कोरोना के कड़े वार, आवाम गफलत का शिकार, इंतजामिया ने भी आंखें बंद कर ली। मुख्तलिफ शहरों में हुकूमती SOPs को हवा में उड़ा दिया गया। मास्क और सैनिटाइजर माजी का किस्सा बनने लगे। तिब्बी माहिरीन की शहरियों से हिफाजती तदाबीर अख्तियार करने की अपील। हर वक्त जब देखो यार 15 दिन बाद हफ्ते बाद ही बढ़ा देते हैं। यहाँ तो पेट्रोल से हर चीज महंगी होती है, पेट्रोल महंगा हुआ हर चीज महंगी, पेट्रोल हुआ हर चीज महंगी। उन्होंने तो दुर्कस निकाल के रख दिया, और क्या करना है इन्होंने। जब जो बंदा रोज डेली वेजेस वाला वो क्या करेगा। पेट्रोल डीजल मट्टी का तेल 3 रुपए महंगा, शहरियों का सबर जवाब दे गया। कहा इतनी महंगाई पर आए दिन पेट्रोल महंगा हो जाता है, जाएं तो कहां जाएं। कायदे हिजब ए खिलाफ शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को माशी दहशत गर्दी करार दे दिया। कहते हैं ना अहली ना लायकी और करप्शन में डूबी हुकूमत आवाम को महंगाई की दलदल में डुबो चुकी है। पंजाब के लोग, आपकी मईशत भी मुनहसर है कि कराची आबाद हो। मैं पख्तूनों से कहना चाहता हूँ, अहले कैफी से कहना चाहता हूँ, आपकी खुशहाली भी आपकी मईशत भी इस पर मुनहदर है कि कराची को हक मिले, कराची का इख्तियार हो, कराची खुशहाल हो। सिंध के बलदियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी के एहतजाज का 17वां रोज कराची में बड़ी रैली, शाहराह फैसल पर एहतजाज। हाफिज नईम कहते हैं कराची के आवाम अपना हक मांग रहे हैं, पंजाब और KP वाले भी कराची के हकूक के लिए आवाज उठाएं। मुल्तान इंडस्ट्रियल एरिया की केमिकल फैक्ट्री में गैस भरने से चीनी शहरी की हलाका, डिप्टी कमिश्नर ने इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। गुज़िश्ता रोज फैक्ट्री में गैस भरने से चीनी बाशिंदा हलाक और 11 अफराद बेहोश हो गए थे। कराची, लाहौर, पेशावर, क्वेटा समेत मुल्क भर में गैस बहरान बरकरार, शहरी छुट्टी के दिन भी रुल गए। महंगी लकड़ियां और LPG खरीदने पर मजबूर। कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान। बालाई, खैबर पख्तूनख्वा और शुमाली बलोचिस्तान में चंद मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी। कराची में मौसम सर्द और खुश। कौमी कबड्डी चैंपियनशिप का फाइनल मतनाजा हो गया। फेडरेशन ने वापटा एयरफोर्स को मुश्तरक चैंपियन करार दे दिया। फैसला कुन मार्के में कई मतनाजा फैसलों के बाद मैच बार बार रोकना पड़ा। वजीर ममलकत फारूख हबीब भी इनामात तकसीम किए बगैर स्टेडियम से वापस चले गए। फाइनल में शदीद बदनस्मी, तमाशाइयों ने स्टेडियम का दरवाजा तोड़ दिया। धक्का पेल। ऑस्ट्रेलियाई अदालत का नोवाक जोकोविच को पहली दस्तियाब परवाज से डीपोर्ट करने का हुक्म। ऑस्ट्रेलिया में मजीद कायम नहीं कर सकेंगे। टेनिस के नंबर 1 खिलाड़ी कल से शुरू होने वाले ऑस्ट्रेलियन ओपन से बाहर। अमरीकी रियासत टेक्सास की यहूदी इबादतगाह में यरगमाल बनाए गए 4 अफराद को सिक्योरिटी इदारों ने बाजियाब करवा लिया। कार्रवाई के दौरान मुसल्ला शख्स मारा गया। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ पुरतशद्दुद एहतजाज, हलाकतों की तादाद 225 हो गई। मरने वालों में 19 पुलिस अहलकार भी शामिल हैं।
बहरियल काहल में जेर जमीन आतिश फशा फटने से अमरीका के मगरबी साहिलों पर सुनामी अलर्ट जारी। बर्फानी तूफान भी 5 अमरीकी रियासतों में टकराने को तैयार। एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। थर जीप रैली में नादर मक्सी ने मैदान मार लिया। साहबजादा सुल्तान की दूसरी पोजीशन। साबिक वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल की गाड़ी ट्रैक पर खराब हो गई।